जी, मेरा नाम धरा सरदारा है। मैं बेसिकली गुजरात से ही, यही अहमदाबाद से हूँ। थोड़ी बहुत कोशिश करती रहती हूँ, मैं इतनी ख्यालों में नहीं रहती हूँ, बट हाँ, आप मुझे कभी भी कुछ भी बोल दो कि मुझे ये चीज़ पे लिख के दे दो, फिर वो राइटअप हो, कविता हो, स्टोरी हो, तो मैं लिख लेती हूँ। तो बहुत कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती है जो हम लोग कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, और हमारी सबसे बेस्ट चीज़ होती है हमारी कलम, जो हम कभी भी पकड़ के हमारी बुक में लिख लेते हैं। तो अभी चंद लाइन बस मैं यहाँ से यहाँ तक के सफ़र में पहुँचते मैंने चालू बाइक पे लिखी थी, तो कुछ ट्राई किया हुआ है, कोशिश की कि ये जी तो चालू मैं करते हैं। चालू करूँगी। एक ही वो मिनट। वहां से जो आपको ओके, सुनना पड़ेगा। ऑडिबल? ओके। मेरी कविता का शीर्षक है जिंदगी एक पाठशाला। जी कुछ लाइनें लिखी है, आपको अगर महसूस हो पाए आपकी जिंदगी के साथ तो आप मेरे को ताली से कर सकते हो। ओके। शुक्रिया। बचपन से ही संघर्ष देखा है ना, अंग्रेजी बोल पाए तो अच्छी शाला, वरना वहीं पे आपको मना कर डाला। हाँ चलो मिल भी गई अगर अच्छी शाला, तो बड़े घर के बच्चों से पढ़ा ही होगा पाला। शिक्षक का घर हो गया दुलारा, अगर शिक्षक का आप अगर हो गए दुलारा, तो ना उसने होमवर्क देखा ना कभी मारा। चलो देख लेते नौकरी का भी नज़ारा, नहीं मिल पाया प्रमोशन जिसने दिन रात मेहनत कर डाला, अगर अपने हक के लिए बोला तो वो आवाज़ उसका दबा डाला। पुरुष अगर रो दे तो ढीला डाला, हाँ स्त्री अगर गुरूर जता दे तो रेप करके रुलाया। हाँ अजब है तेरी माया, जहाँ जिंदगी घूमती है बनके साया। हाँ बचपन से ही संघर्ष देखा है ना, जिंदगी एक पाठशाला। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। बेसिकली मैं ट्रेंड क्लासिकल सिंगर रही हूँ, तो कुछ म्यूजिक पे भी आज लिखा है, और इन्होंने माहौल जमाया है म्यूजिक का, संकल्प जी ने, तो उसके लिए आगे कुछ उसमें ही बढ़ावा देना चाहूंगी। ये सुरीले गाने सुनने को चाहिए बहाने, हाँ कई साधारण लोगों ने बना दिए जाने माने। कोई होते हैं लता जी के फैन, तो कोई किशोर जी के दीवाने। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जब सब झूम उठते सुन के ये गाना। हाँ ताल लय आरोह अवरोह ये है परिभाषा, किंतु गाने सुनते वक्त किसी से नहीं रहती उम्मीद या आशा। हाँ गाने तन मन को नहीं पर रूह को छू लेती है। गाने तन मन को नहीं पर रूह को छू लेती है, कितनी भी परेशानियां हो वो क्षण में कुचल देती है। आहा। गाने सुनने के बाद किसी के नहीं रहते ठिकाने, क्योंकि गीतकार को हो या लेखक, सब होते सपनों के दीवाने। आहा। चलो अब बात हो ही रही है गानों की, तो ये सुरीले गाने सुनने को चाहिए बहाने। क्या अगर बात, समय इजाजत दे तो मैं और एक कविता पढ़ना चाहूंगी। ये मैं पहले भी एक बार बता चुकी हूँ कि हर चीज़ हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं लिखने को या इमेजिनेशन को, बट ये एक कविता ऐसी है जो मैंने कभी ज़िंदगी में महसूस नहीं की है, पर मैंने किसी को देख के लिखा हुआ है, और शीर्षक है हाँ मैं गर्भवती हूँ। मेरा जन्म हुआ तो मैं बेटी, मेरी शादी हुई तो सौभाग्यवती, मैं किसी को जन्म देने लायक हुई, हाँ मैं गर्भवती हूँ। मैं अब पाल रही हूँ एक नन्ही सी जान, जो सिर्फ मेरा मान नहीं है पर है अभिमान। इसके खातिर सब करने को चली कुर्बान, क्योंकि अब तू है इस घर का लौता सा मेहमान। हाँ मैं गर्भवती हूँ। प्रथम चरण से शुरू हो गए खुशियों के पल, मैं दुख दर्द भूल गई जैसे बीता हुआ कल। फिर से जाने की उम्मीद निकली है प्रबल, दिल झूम उठा अब सबके तानों को कुचल। हाँ मैं गर्भवती हूँ। दूसरे चरण की हो गई है शुरुआत, अब मैं बुनती चली हूँ मेरे जज्बात। अभी तक थी यह अवस्था से अज्ञात, तूने समझा दी है एक माँ की औकात। क्या हाँ बात, मैं गर्भवती हूँ। तीसरे चरण से हो गए हैं दृढ़ मनोबल, तेरे आने की हूप से नहीं चाहिए कंबल। हर दिन रात बदलते रहते हैं मेरे हालात, फिकर मत कर पापा भी साथ है तैनात। हाँ मैं गर्भवती हूँ। अब तुझे देखने को आई है पूरी कायनात, तू रहना तैयार अब नहीं रुकेगा ये रक्तपात। मुझे आज मौत को भी दे देनी पड़ेगी मात, अब तो मैं महसूस कर रही हूँ दर्द से निजात। हाँ मैं गर्भवती हूँ। शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर।